पिछले कई महीनों से हम संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। विश्वविद्यालय के सर्जरी से लेकर पायल तौड़वी, मीनाक्षी, प्रवेश, अखलाक नाम बदलते जाते हैं और हम संघर्ष के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते जाते हैं। ये कब तक होगा? ये हम कहने के लिए तो 85% हैं, लेकिन जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तो ऐसी हरकत करते रहेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ एक वीडियो कुछ दिनों से स्टार्ट हो गई, हमारे कुछ मुस्लिम भाई हैं उनको मारा जा रहा है और बकायदा वीडियो डाली जा रही है और उनके ऊपर कोई साइबर सेल कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि वो चाहते हैं उस देश के अंदर माहौल खराब हो। वो मुस्लिमों को भड़काना चाहते हैं कि आप देखिए वीडियो और लड़े, क्योंकि जितना हिंदू और मुस्लिम होगा ध्रुवीकरण होगा, फायदा किसको होगा? डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को होगा। अभी मैंने बात करी कुछ साथियों से तो पता चला कि आने वाले समय बकरीद आने वाली है। दिल्ली, हरियाणा और मुंबई, यहाँ पर जो मीट की सप्लाई पूरी तरह से रोके जाने की पूरी संभावना है। तो माहौल ये खराब करने की कोशिश करते जा रहे हैं। ये क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी एकजुटता नहीं। अभी मैंने देखा कि हमारे कुछ साथी आपस में भिड़ गए। मुझे लगता है कि हमें जरूरत है आपस में एकजुट होने की, क्योंकि समाज के अंदर अगर कोई मिशन मोमेंट में आता है उसकी समझ हो सकती है कि औरों से कम हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर आज हमारे साथ है, अगर वो 5% दे रहा है, तो हमें उसका भी समर्थन करना चाहिए, उसका भी धन्यवाद देना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसाइज करें। इस स्टेज पे हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें सबको जोड़ना। ठीक है, गलती हो जाती है हमारे अपने साथियों से, उन्हें समझा के उनके साथ लेके चलनी है, क्योंकि वास्तव में हमारी एकजुटता ही उनको कमजोर कर सकती है और वो आपको तरह तरीके से भड़काएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो भारतीय संविधान है। हम यहाँ पर आए हैं संविधान बचाओ संघर्ष समिति के तहत, तो मैं ही अपनी बात कहना चाहूंगा कि संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे। उनकी कोशिश है संविधान तोड़ने की, वो कुछ भी आप यहाँ पे उल्टी हरकत करेंगे वो चुप रहेंगे। वो चाहते हैं ये समाज बिखरे, या तो दूसरे ओबीसी को यादव के खिलाफ भड़काएंगे, दूसरे दलितों को जाटों के खिलाफ भड़काएंगे, इनकी रणनीति है, और कहीं दलितों को पिटवाएंगे, कहीं ओबीसी को, कहीं मुसलमानों को, ये इनके अंदर जो एक कोशिश है पूरे समाज को तोड़ने की, लेकिन हमें उनका जवाब देना है। हजारों सालों से वो 15% हम पे राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एकजुट हैं और हमारे बीच में वो एकजुटता नहीं आ पा रही, बीच बीच में वो कोशिश करते हैं। तो हमारा जो एक जवाब है ऐसे जो आयोजन करने का, इसका एक ही मकसद है, हमें आपसे अपनी एकजुटता बना के रखनी है और हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है भारतीय संविधान, हमें भारतीय संविधान पर विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि आज भी ये मोदी सरकार या जो भी भ्रमणवादी व्यवस्था वाले हैं, कुछ चाहे कुछ भी हो, संविधान बदलने कितनी भी कोशिश करो, लेकिन इनको जो सबसे बड़ा डर वो भारतीय संविधान से ही है। तो हमें भारतीय संविधान को अपने हाथ में लेके उस भारतीय संविधान की समझ को अपने दिमाग के अंदर ठंडे दिमाग से, और जो गर्मी है गर्मी अपने दिल में रखो, दिमाग में नहीं, उस गर्मी को लेके चलना है और एकजुटता बना के रखनी है। देखना जो भ्रमणवादी व्यवस्था हम जरूर तोड़ेंगे, लेकिन जो हमारा आपसे विश्वास बना रहेगा और संविधान पर विश्वास बना रहेगा और संविधानिक कानून के तहत ही हम उनको जवाब दे सकते हैं। मैं जो आयोजक समिति है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, डॉक्टर रतनलाल सर, सूरज यादव सर और बाकी जो समिति है, और आप सभी ने मुझे यहाँ ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।